राम राम सारे भैया ने और सारी टीम की तरफ से भी राम राम। स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ इसार ग्रीन स्क्वायर मार्केट में। आज थोड़े अपने भाई खड़े हैं, बल्ले होंगे राय मतलब कौन सी के कुछ विचार है इसार का। चलो चलते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई, ठीक से? बढ़िया। कहाँ से भाई? इसार था। मतलब जो एम पे इलेक्शन आ गया, किस लिए वोट दे हुआ? मोदी भाई। मोदी? हाँ छेड़ दिया यार। मोदी क्यों दे हुआ? अच्छे काम करे भाई। अच्छे काम करे हैं मतलब कोई और पार्टी वगैरह? कोई और पार्टी नहीं। नहीं दे हुआ? थैंक यू भाई। अंकल जी राम राम। एम पे इलेक्शन आया अंकल जी, किस लिए वोट करोगे? जय सर। जय सर। अच्छा हाँ जी, एम पी इलेक्शन से वैसे देखा जाए तो सारी पार्टियाँ सही है। अच्छा, पर लेकिन क्षेत्रवाइज जिस हिसाब से कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। मतलब जो अब यहाँ हिसार से, हिसार से मतलब किस? हिसार से नहीं हूँ मैं, लोहारू से हूँ। ओके। हाँ, हमारे लोहारू तहसील भिवानी के अंदर आती है। उसके पूर्व वर्तमान सांसद तो अभी तो धर्मवीर जी हैं। धर्मवीर जी ने अभी तक भिवानी जिले भिवानी मंदिरगढ़ मेरे हिसाब से देखा जाए तो किसी गाँव का दौरा नहीं किया है। ओके, यही है सच्चाई, हकीकत ये है। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू। आपने और अंकल खड़े हैं तो बात को कराएंगे अपने। अंकल जी राम राम। बोलो। एमपी इलेक्शन है, किसी सरकार आनी चाहिए? मेरा नहीं भाई, किसी टाइम बताओ। मतलब वोट तो होगा आपका? वो तो टाइम बताओ भाई। मोदी सरकार आओगी? हाँ बताओ अंकल जी। हाँ मोदी सरकार आओगी। मोदी सरकार आओगी। मोदी मोदी क्यों आएगी अंकल जी? हाँ मोदी क्यों आएगी? मोदी की लहर है इस टाइम। मोदी की लहर है? हाँ। और किसी पार्टी की नहीं है? कोई नहीं है लहर। नमस्कार अंकल जी। आप तो पार्टियाँ तो दो ही है मैदान में। कौन सी? एक जसवंत शराला, एक जेपी और बीजेपी। मतलब ज़्यादा किसका रोल है? ज़्यादा तो दोनों सेम थोड़ा बड़े फर्क है। दोनों ही टक्कर है? हाँ टक्कर है, और कोई आदमी है नहीं। ओके अंकल, थैंक यू। अंकल पानी पियो इन तो बात करेंगे अबे। अंकल जी राम राम। मेरे तो ना पूछे कि मैं कौन पूछना आपता है? मैं उबलती फांकूंगा। उबलती फांक दे अंकल जी, कोई दिक्कत को नहीं।